दोस्तों आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, इस गाड़ी की उम्र आज तक हो गई है सोचिए 2.5 साल। अगले साल मार्च महीने में इसका उम्र 3 साल का हो जाएगा। जो वीडियो इस वीडियो में आप देखने वाले हो, कुछ क्लिप मैं 1 साल के वक्त पे इसका लिया था, कुछ डिटेल्स लिया था और ये थोड़ा डिटेल में है। मतलब तब अच्छा क्वालिटी का रिकॉर्डिंग भी नहीं था मेरे पास और रास्ते में बहुत ट्रैफिक के आवाज़ वगैरह आ रहे थे, तो हवा का भी काफ़ी सारा आवाज़ मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको एक्चुअल इसका माइलेज कितना देता है 1 साल में, वो आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगे, मतलब कि आप लगेगा कि ये क्यों है, मतलब क्यों बनाया है ऐसा वीडियो। लेकिन आप ज़रा अगर डिटेल में पूरा वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि 1 साल के बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आपको 1 साल के बाद मालूम पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में, जब मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल उम्र है गाड़ी का 2.5 साल और अगले साल मार्च महीने में मैं कंप्लीट 3 साल का, तीन साल का मैं अगले महीने एक वीडियो बनाऊँगा कि 3 साल के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है। इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने एक बैटरी चेंज किया, ओनली एक बैटरी। जो इस वीडियो के आखिर में आप सुनेंगे कि मैंने एक हद से ज़्यादा वजनदार आदमी को बिठा लिया था, जिसकी वजह से गाड़ी जो है डाउन में चला गया था माइलेज उसी दिन से। तो मुझे लगा कि बैटरी में कुछ दिक्कत है, सही में था मैं कि एक बैटरी जो है वो थोड़ा ओवर हीट होके या ओवर कंज्यूम होके फट गया था, जिसकी वजह से मैंने उस बैटरी को रिप्लेस किया एमटेक के एक बैटरी के साथ, जो कि लगभग 3,400 रुपये का आया था और 500 रुपये ये पुराना बैटरी का वो माइनस कर चुके थे। तो 2,900 रुपये का एक एमटेक का बैटरी मैंने लगाया था, उसके बाद से गाड़ी फिर से लाइन पे आ गई है। तो अभी इस वीडियो को पूरा देखिए और शायद आपको बोरिंग लगे, कोई बात नहीं, जिसको ज़रूरत होगा वही देखेगा, जो ये इलेक्ट्रो व्हील्स गाड़ी खरीदने वाला है वही देखेगा। तो वीडियो में बने रहिए और एंड तक पूरा देखिए। मैं पूरा मेरे एल्गोरिदम को सेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, पूरा मतलब कहीं पे कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, वो मुझे भी याद नहीं कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो पूरा इसीलिए देखने के लिए कह रहा हूँ कि जो खरीदने वाले हैं इस गाड़ी को, इलेक्ट्रो व्हील्स विंड, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा गाड़ी है, और मुझे अगर और एक गाड़ी कोई खरीदने के लिए कहे, इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन सा आप खरीदना चाहोगे आप मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं यही गाड़ी फिर से खरीदूँगा और सेम यही कलर, यही डिज़ाइन मैं फिर से खरीदना चाहूँगा, सेम यही बैटरी स्पेसिफिकेशन के साथ। शायद ये कंपनी वाले जो आकाश के बैटरी दे रहे हैं, इसको छोड़ के मैं कोई दूसरा ब्रांडेड बैटरी पे चला जाऊँ, लेकिन गाड़ी मेरा यही रहेगा 3 साल तक भी। मुझे लगता है कि 5 बैटरी चेंज करने के मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इस वीडियो में देख सकते हो। और एक वीडियो के लिए वेट कीजिए जब तक ये 3 साल का वीडियो मैं बनाऊँगा तब तक। तो एंजॉय कीजिए पूरा वीडियो को, एंजॉय करने लायक तो है नहीं। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए फॉर 3 इयर्स एक्सपीरियंस देखने के लिए आगे से। और काफ़ी सारे हैं मेरे चैनल पे मोबाइल फ़ोन रिलेटेड, आप इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी काम का लगे तो लाइक बटन हिट कीजिए, और टोटली बकवास लगे तो डिसलाइक का बटन हिट कर सकते हो। मैं कहता हूँ 2 बार डिसलाइक का बटन हिट करो ताकि मुझे पता चले कि कितना बुरा लगा आपको। और कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो में एंटर करते हैं। आगे ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब तक ये 1 साल का एक्सपीरियंस होगा मेरा इसके साथ, और आगे कोशिश करूँगा कि 2 महीने बाद और एक वीडियो डालूँ। आज इसका जो है वो 1 साल पूरा होगा, तो अभी इसका आज एक आखिरी वीडियो बनाएंगे जिससे पता लगेगा कि 1 साल के बाद कितना माइलेज दे रहा है ये। मेरे हिसाब से 30 तक होना चाहिए। तो आज सुबह जब मैं इसको ऑन किया फुल चार्ज होने के बाद, तो ये मीटर जो है वो 30 पे था, तो अब कहाँ तक आया देखते हैं। ये 53 हुआ है, मतलब 23 किलोमीटर आज रन हुआ है। अच्छा एक बात बता दूँ, तब तक अचानक से कुछ दिनों पहले ये 0 हो गया, 1 साल हुआ 600-700 किलोमीटर होने के बाद ये 0 हो गया। तो वो एक सवाल जो है मेरे दिमाग में है कि 0 क्यों हो गया ये। फ़िलहाल अभी इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं, आज खत्म करके घर वापस आएंगे। अब
ये 56 जो है वो दिखा रहा है, वहाँ पे पॉइंट लिखा है, अभी 56 दिखा रहा है, तो उसमें मैक्स स्पीड कितना उठता है वो देखते हैं। ये बच्चे को साथ में लेने के बाद ये 21 तक आ रहा है, बंद करो। जैसे कि हम सभी ये पैसेंजर जो गाड़ी में चल रहे हैं यही हमेशा गाड़ी में चलता है, मेरे मिसेज जो है वो गाड़ी को लेके जाती है और ये जो बच्चे हमारे साथ हमेशा चलते हैं, तो यही लोड रहता है गाड़ी के ऊपर हमेशा के लिए। तो इसी लोड पे जो है अभी 20 तक माइलेज दे रहे हैं फिलहाल। अभी जो पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है 55 दिखा रहा है, यहाँ पे 55 दिखा रहा है और मैक्स स्पीड ये लोड लेके 20 तक आ रहा है, 20, 21, 22, 23 ये मैक्स स्पीड है, मतलब पावर कम हो गया तो इसका स्पीड भी थोड़ा कम हो गया। अभी सामने थोड़ा अंधेरा है देखो, तो यहाँ पे इसका लाइट जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा अंधेरे में। चलो एक अंधेरा रास्ते में जा रहे हैं, ये अपर डिपर जो है ये स्विच थोड़ा दिक्कत करता है, हाँ ये तो इसका ये इशू है कि यहाँ तक आता है, आगे तक नहीं इसका बीम जाता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और ये स्विच ऑफ ऑन करने पे ये थोड़ा बंद होता है, दिक्कत होता है, लेकिन ये मामूली है, ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड है, शायद पानी चला गया होगा। बीच में एक बार मैंने इंडिकेटर का स्विच जो है वो रिप्लेस करवाया था पैसे दे के, क्योंकि वो हम यूज़ करते हैं तो उसको पैसे दे के करवाना चाहिए, जैसे कि अगर आपका टायर पंक्चर हो गया करवाना पड़ेगा, क्योंकि टायर पंक्चर तो कंपनी के वारंटी पॉलिसी में नहीं आता। तो फिलहाल इसका पिकअप जो है पूरा बम्पर को क्रॉस करने के बाद पिकअप कम होता है, फिर जाके 21 पे आ रहा है। फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा बंद करते हैं, सामने चौराहा है, हमारे यहाँ के कॉलेज स्ट्रीट है। हर में एक कॉलेज स्ट्रीट रहता है, हर एक शहर में एक गांधी स्ट्रीट रहता है, इस साइड पे देखो सब फ्रीडम फाइटर लोगों के स्ट्रीट बना हुआ है। और सामने जो है वो हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू हैं, काफ़ी बढ़िया दिखता है। और राइट साइड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। घूमते 7-8 किलोमीटर घूमेंगे तब जाके इसका 30 किलोमीटर पूरा होगा, और 30 किलोमीटर अगर पूरा हो जाता है इसी लोड को लेके तो चलिए पूरा दिन भर 30 किलोमीटर चल गया। आगे अंधेरा है, अभी बंद करते हैं इसको। आप देख रहे हो मीटर पे जो देख रहे हो ये 26-27 पे चल रहा है और पावर जो है 54 पे आ गया है, मतलब 54 में ये 27 तक दे रहा है और ये इको मोड में है, मतलब एकदम फर्स्ट मोड में। अभी अगर इसको सेकंड मोड में इसी मोड पे लेके जा रहे हैं तो ये सेकंड में 30 तक पहुंचा देगा, और एकदम टॉप स्पीड में अगर जा रहे हैं टॉप स्पीड शायद 54% अगर बैटरी रहेगा तो टॉप स्पीड काम नहीं करेगा। फिर हम इको मोड में आ रहे हैं, हमको माइलेज चेक करना है, तो ये 28 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर चल रहा है अभी और 54 बैटरी दिखा रहा है। फिर से स्टॉप करते हैं और हम यहाँ पे विद्या सागर जी का स्टैचू है वहाँ पे, और सामने देखिए दादा साहब दिख रहा हुआ आपको, ये नए तरीके से बनाया हुआ है। पहले था ये 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का शहर, अभी 4 किलोमीटर का शहर आ चुका है। और यहाँ पे पहले हमारा सही खुदराम जी का स्टैचू था, अभी इसको तोड़ के क्या बनाएगा मालूम नहीं। यहाँ पे बंद कर दो प्लीज, ये हेडलाइट दिखाना है मुझे, ये हेडलाइट दिखाना है, ये है फुल्ली अपर किया हुआ, सामने देखो थोड़ा अंधेरा है, तो यहाँ पे मैं अगर इस हेडलाइट को बीम करता हूँ तो ये ज़्यादा दूर तक जाता नहीं। ये यही एक दिक्कत है इस गाड़ी में, तो आप ज़्यादा अंधेरे में इसको थोड़ा टैकल करना मुश्किल हो जाएगा।
एक चीज है कि ये देखिए 53 पे है इसका पावर और 25 किलोमीटर स्पीड पे चल रहा है। एक दिक्कत मैंने देखा कि अगर सामने कोई बम्पर आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, तो उसमें उसके लिए जब हम गाड़ी को स्लो करते हैं उसके बाद पिकअप लेना थोड़ा मुश्किल होता है गाड़ी के लिए। तो हम ऐसे रास्ता चूज़ करेंगे अभी कि बाकी के जो 3-4 किलोमीटर है, अभी देख सकते हो आप यहाँ पे 3 किलोमीटर रन कर लिया हमने, तो 23 किलोमीटर से स्टार्ट किया था और 3 किलोमीटर मतलब टोटल 26 किलोमीटर हो गया अभी। तो ऐसा रास्ता चूज करेंगे ताकि बम्पर के सामने ना आने पड़े। सामने जो है पुलिस लाइन के डिपार्टमेंट है, इसको रिकॉर्डिंग बंद करते यहाँ पे। अच्छा एक बात कह दो, फाइनल टेक अगर यही लोड लेके गाड़ी 30 किलोमीटर तक चल गया तो सोचो एक साल होने के बाद 30 किलोमीटर तक चल गया तो अभी ये मुनाफे में है, क्योंकि 10,000 रुपये का बैटरी कॉस्ट है और एक साल में अगर 50 रुपये का पेट्रोल डाल के भी गाड़ी चलाता तो 18,000 रुपये आते। तो 18,000 का कीमत जो है वो 10,000 में कम्प्लीट हो रहा गया और अपना स्कूल मार्केट और छोटा मोटा काम लेके पर डे 25 से 30 किलोमीटर तक मेरा रन रहता है। उस हिसाब से अगर एक साल के बाद भी चल रहा है ऐसा 30 किलोमीटर तक तो मुझे लगता है कि मैं फ़ायदे में। अगर कोई बताता है आपको कि 50-60 किलोमीटर चलेगा वो शायद गलत बताते हैं, 60 किलोमीटर एक साल के बाद नहीं चलता। आगे ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब तक ये एक साल का एक्सपीरियंस होगा मेरा इसके साथ, और आगे कोशिश करूँगा मैंने बाद और एक चल रहा हूँ ठीक है। बंद कीजिए, देखिए यहाँ पे 20-21 पे रन कर रहा है, 54 है, लेकिन ये रास्ता जो है थोड़ा ये अप मतलब हमारे टाउन का ये रोड थोड़ा अप है तो इसकी वजह से इसका स्पीड भी कम होने जा रहा है। फिर हम लेफ्ट साइड को लेके पैरेलल जाने के बाद डाउन में आएंगे उस तरफ से, फिर देखेंगे तब शायद ये 21-22 जो है वो बढ़ेगा। तो अभी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हम फिलहाल, और अभी जो ये रोड लिया हमने ये है पैरेलल, मतलब ये ना अप है ना डाउन है, ये एक स्टेबल पोजीशन है। नॉर्मल पे अभी भी 21 पे रन कर रहा है, 20-21 पे रन कर रहा है ये। अभी स्टेशन दिखाएंगे हम आपको, मेदिनीपुर का जो स्टेशन है हमारा इतना बढ़िया लगेगा देखिए आप। গাড়ি ভবেনকে এক সমানে চলছে, আচ্ছা চলো এক সমানে যাই দিলে আমারটা যদি 21 দিচ্ছে 22 কত চলছে তোমার
माइल मीटर चेक कर रहे थे हम अभी 22-23 पे चल रहा है, और वहाँ पे बार्कमैन जो है अंकल का, ये है द ग्रेट बॉबी अंकल। अच्छा अच्छा, इनका भी बहुत मतलब है गाड़ी के लाइफ पे, इनका भी बहुत बड़े फंडे है। ये बार्कमैन लेके ये बहुत दूर दूर ट्रैवल कर चुके हैं, इसका मतलब मीटर भी सही है। हाँ मीटर भी सही है, कर रहा है। हाँ बराबर सही है, मीटर सही दिखा रहा है। और माइलेज जो है मेरे एक्सपेक्टेशन से ठीक ही है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है। एक साल के बाद अभी ख़राब कुछ नहीं कर सकते, इसको चल जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, एक दो महीने में कहाँ तक चलते हैं। अभी फुल चार्ज के ऊपर माइलेज 30 से शुरू किया था, अभी 61 हो चुका है। 61 मतलब 31 किलोमीटर हमारा चल चुका है। अभी 56 दिखा रहा है, लेकिन ये 53 पर रन कर रहा है। फाइनल जो है आज हमने 31 किलोमीटर घूम चुका हूँ। अभी 1 किलोमीटर है घर जाने के लिए, मतलब 32 किलोमीटर तो आराम से चल रहा है। और लोड हमारा जो है, लोड दिखाओ कौन कौन हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। नीचे एक बंदा बैठा हुआ है हमारे छोटे इसके, दिखा दो, ये है नीचे बैठे हुए हैं, काफ़ी स्पेस है। हम लोग ऐसे ही गाड़ी पे चलते हैं, ऐसे लोग ही यहाँ पे सफ़र करते हैं हम लोग, तो इस हिसाब से सही है, मतलब कोई इशू नहीं है। एक साल के बाद अगर 32 किलोमीटर चल रहा है तो मेरे हिसाब से सही है। अगर 50 रुपये का पेट्रोल भी अगर आप डालते हो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छा, तो 50 रुपये का पेट्रोल भी अगर आप डालते हो तो साल में 18,000 रुपये का पेट्रोल लगता है आपको। और अगर सोचो कि इसमें अभी हम कल बैटरी फेंक दें, नया बैटरी लगाए तो 60 किलोमीटर तक आराम से दे देगा, तो वो 10,000 का आएगा। ये देखिए एक बम्पर आ गया, तो बम्पर के बाद ये थोड़ा पिकअप लेने में दिक्कत आता है बैटरी डाउन होने पे। अभी घर तक तो ये आराम से पहुंचा देगा और 2 किलोमीटर तक डेड स्लो पे चला लेगा। ये मेरे हिसाब से ये 35 जाएगा ऐसे लोड लेके, और सिंगल पर्सन के हिसाब से ये 40 तक दे देगा, मतलब 40 किलोमीटर तक घर पहुँचा देगा आपको। मेरे हिसाब से थम्सअप है एक साल के बाद। और हमारा लोड इस तरीके का है, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं इस साइड पे सेल्फी, और हम और हमारे बेटे जो है वो ऐसे बैठे हुए हैं ठीक है सामने पे। और क्या बताएं इस गाड़ी के बारे में, थोड़ा अभी एक्सेलेटर जो है एक हाथ पे गाड़ी चल रहा है, कोई उल्टे उल्टे से नहीं चला है, तो इसकी वजह से सब सही चल रहा है। किसी किसी का एक्सेलेटर जो है वो ख़राब होता है, किसी का, मेरा एक बार इंडिकेटर का स्विच खराब हुआ था, वो मैंने बताया पहले आपको, और ये होता है ऐसे स्विच चेंज होता है। फिलहाल अभी जो लाइट का है अपर और डिपर का स्विच जो है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो वो भी बदल सकते हैं, लेकिन बदला नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता उतना। ये ज़्यादातर दिन में ही चलता है, स्कूल मार्केट और छोटे मोटे काम के लिए ये यूज़ करता हूँ मैं रात को। ये देखिए ये जो अपर डिपर स्विच है, लाइट कितना डिम हुए रखा हुआ है, इसको एक बार ऑफ ऑन करेंगे तब जाके लाइट जो है वो थोड़ा ब्राइट होगा। थोड़ा अंधेरे की साइड से जा रहे हैं, अब दिखाएंगे आपको अच्छी तरह से दिखेगा ये। अभी थोड़ा बाहर रोशनी है, ये देखिए सामने अंधेरा है, यहाँ पे लाइट जो है वो देखिए हमारा कीड़ा चला गया, इसीलिए गाड़ी चलाते हुए बात मत करो। सामने थोड़ा अंधेरा है, वहाँ पे दिखाएंगे। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते हुए मैं सब कुछ बताना चाहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, रास्ते में दिखाने लायक कुछ है नहीं यहाँ पे। अभी लाइट जो है वो दिखेगी आपको, कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा ऑफ एंड ऑन करेंगे तब जाके लाइट दिख रहा है आपको। हालाँकि रास्ते में लाइट काफ़ी है, इसीलिए मैंने इस लाइट को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। यहाँ पे देखिए लाइट ये है, और क्या बताएं, गाड़ी पे वो इंडिकेटर स्विच को छोड़ के अभी तक एक पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि खर्च करने लायक है भी नहीं कुछ इसमें। और अगर क्योंकि इसमें ना ही ऑयल डालता है, ना ही कोई मोबिल डालता है, ना ही कोई ग्रीस लगता है, छोटे मोटे नट जो है स्टैंड वगैरह के नाइट जो है वो मैं खुद टाइट कर देता हूँ अपने रेंज से। लेकिन एक चीज़ जो है वो एक साल के बाद ये जीरो कैसे हो गया, मतलब ये मीटर जो है वो जीरो कैसे हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ। जीरो
जीरो कैसे बन गया, ये पूछना पड़ेगा मुझे उनसे कि अचानक से ये जीरो से स्टार्ट हो गया और आज जैसे कि आप देख रहे हो 61 किलोमीटर, तो मतलब ट्रक आज दो दिन में चल चुका हो, काफ़ी चला, मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना तक दे देगा रात को। और ये सिटी के अंदर, हाँ ये सिटी के अंदर मुझे 35 तक मिल रहा है। सिटी में ब्रेक होता है, बम्पर होता है, रास्ते में जैम होता है, जैम होने के बाद ऐसे स्लो करने के बाद फिर से पिकअप लेना पड़ता है, तो जिसकी वजह से पावर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। मैं एक सजेशन दूंगा, इसका बैटरी और भी अच्छा था लेकिन मैंने क्या किया, एक आदमी को इसमें बिठाया था, वो आदमी हद से ज़्यादा थोड़ा वजन था उनका, और उसी दिन से मैं देख रहा हूँ कि बैटरी जो है डाउनग्रेड होना शुरू हुआ। तो मेरा सजेशन यही है कि आप 150 वज़न के अंदर ही इसमें कैरी करें, उससे ज़्यादा वेट इसमें ना लें। तो ये था हमारा फाइनल टेक मेरे इस ड्यूटी के लिए। बाकी अभी आपको क्या लगता है, आपको कैसा एक्सपीरियंस है, आप नीचे शेयर करें, और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट।